महाराज को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां हाल ही में बागेश्वर धाम महाराज पर कई विरोधी निशाना साध रहे हैं, तो कई लोग बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में उतर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बागेश्वर महाराज धीरेंद्र शास्त्री को लेकर जारी विवाद में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी कूद पड़े हैं। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को खुली चुनौती दे दी है, कहा कि वो जोशी मठाएं और यहां धस्ती जमीन और दरकते मकानों को रोक कर दिखाएं। यदि वो ऐसा कर पाते हैं तो वो भी उन्हें चमत्कार ही मानेंगे। शंकराचार्य ने कहा कि चमत्कार पर हम उनकी जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये बयान शनिवार को बिलासपुर में आयोजित धर्मशाला में दिया। शंकराचार्य ने इस संबंध में मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि बाबा के चमत्कार को तभी मानूंगा। शंकराचार्य ने कहा कि ज्योतिष शास्त्र में किसी का भविष्य बताया जाता है, लेकिन फलादेश होता है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी कहा जा रहा है और वो ज्योतिष शास्त्र की कसौटी पर खरा है तो वो उसे मान्यता देते हैं। कहा कि यदि वो कोई चमत्कार जनता के लिए करते हो तो उनकी जय जयकार हो। उन्होंने पंडित धीरेंद्र शास्त्री रायपुर में है और हम बिलासपुर में, कोई संत मनमाना बयान नहीं दे सकता, मैं खुद भी ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने बागेश्वर महाराज को चुनौती देते हुए कहा कि आपके पास अलौकिक शक्तियां हैं तो धर्मांतरण रोकिए, घरों में झगड़े सुलझाइए, लोगों में सुमति लाएं। उन्होंने कहा कि यदि वो अपने चमत्कार से आत्महत्या रोक दे और समाज में शांति स्थापित करे तो हम मानेंगे कि चमत्कार है। शंकराचार्य ने कहा कि अभी जोशी मठ में जमीन धस रही है, मकानों में दरारें आ रही हैं, उनका मठ भी दरारों के बीच आ गया है। धीरेंद्र शास्त्री को चाहिए कि कुछ चमत्कार इधर भी दिखाएं। उन्होंने कहा कि जो चमत्कार हो रहे हैं वो अगर जनता के लिए हो तो वो जय जयकार करेंगे, यदि ऐसा नहीं है तो वो इसे छलावा ही कह सकते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि बागेश्वर धाम सरकार इस चुनौती को स्वीकार करते हैं या नहीं।